नेक्स्ट विल टॉक अबाउट लेंस लेंस दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी हेयर दैट इज़ अ बाई कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड विच इजम्डर्स क्रिस्टलाइन लेंस एज यू कैन ऑब्जर्व दैट कॉन्वेक्सिसी इज़ मोर एट द पोस्टीरियर पोर्शन पीछे की तरफ ये ज़्यादा कॉन्वेक्स है एंड इट इज़ सॉफ्ट एंड प्लाएबल काफ़ी सॉफ्ट होता है और प्लाइबल दैट मीन्स विच कैन चेंज इट शेप बाई अ लिटल प्रेशर थोड़ा सा भी प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट करेंगे तो ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकता है इट इज़ इन्वेस्टेड बाई अथीन मैमरेन विच इज लेंस कैप्सूल मतलब इसके चारों तरफ लेंस कैप्सूल प्रेजेंट होगा एंड इट इज हेल्ड इन प्लेस विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट दैट विल हैंग फ्रॉम द सीलियरी बॉडी सीलियरी बॉडी से जो पिंकिश स्ट्रक्चर शोन है दैट इज सस्पेंसरी लिगामेंट जो इसको प्रॉपर प्लेस पर रखता है नाउ बिकॉज ऑफ दिस लेंस दी चैम्बर ऑफ द आई विल भी डिवाइड इंटू टू पोर्स विच इज टर्मड एज एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर एंटीरियर चैम्बर विल भी ट्रमंड एक्वेज चैम्बर एंड द पोस्टीरियर विल भी टर्मड एज विट्रस चेंबर दैट शुड भी विट्रस चेंबर तो ये एक्वेस चेंबर ये विट्रस चैम्बर नाउ दिसज एक्वेज चैम्बर दैट इज फिल्ड विद वॉटरी फ्लूड विच इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एंड दिस विटरस चैम्बर इज़ फिल्ड विद सो दैट दैट इज टैमडस एक्व ह्यूमर जो यहाँ पर फिल होता है वॉटरी और यहाँ पर जो होगा दैट विलट हैविंग मोर जली लाइक मास थोड़ी सी उसकी जो विस्कॉसिटी है वो ज़्यादा होगी बट देट विल भी अगेन ट्रांसपेरेंट एंड दैट इज टैमडज विटरस ह्यूमर सो दी इज़ बोथ एक्वस ह्यूमर एंड विटरस ह्यूमर दे विल कीप द आई बॉल टॉट फोर्थ डिस्टिंकन टॉट मीन्स इन्फ्लेटेड टॉट टी ए यू टी टॉट मीन्स इन्फ्लेटेड मतलब कि इसकी जो शेप है वो प्रॉपर रहेगी बिकॉज ऑफ दिस फ्लूडी स्ट्रक्चर जो इसके अंदर प्रेजेंट है नाओ विल टॉक अबाउट दी ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट नाउ देर इज अ पोर्शन फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नाव विल ऑरिजिनेट नाउ दिस ऑप्टिक व नाव इट विल मूव बैकवर्ड एंड विल गो अपू दी ब्रेन ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन में दैट इज अ सेकेंड नाव ऑप्टिक नाव और ब्रेन को जाके ज्वाइन करेगी नाव दिस पोर्शन वेयर दिस ऑप्टिक नाव ऑरिजिनेट इट विल ब्रेक ऑल दी थ्री कोर्ट्स ऑफ द आई एंड दैट्स वाई देयर इज नो इमेज फॉर्मेशन दैट्स वाई दिस स्पॉट इज टर्मडेज ब्लाइंड स्पॉट तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट एंड अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द रेटिना जस्ट अपोजिट टू द लेंस लेंस के बिल्कुल जो अपोजिट प्रेजेंट होगा दैट विल भी टर्मडेज एरिया सेंट्रेलिस और मैक्यूला ल्यूटिया और यू कैन सी येलो स्पॉट दैट इज द साइट फॉर द परफेक्ट विजन परफेक्ट इमेज फॉर्मेशन क्योंकि लेंस के बिल्कुल अपोजिट है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉन्स है दैट इज मैक्सिमम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्स होते हैं यहाँ पर रोड का नंबर जो है वो मिनिमम होता है वैसे तो पूरे रेटिना के अंदर जो नंबर ऑफ कॉन्स है दैट आज सफिशेंट तो हर जगह अच्छी इमेज बनेगी बट दैट बिकॉज इट लाइज कंप्लीटली अपोजिट टू दैट ऑफ द लेंस सो दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर द इमेज फॉर्मेशन सबसे अच्छी इमेज यहाँ बनेगी दैट इज एरियालिस और येलो स्पोर्ट और मैक्यूलर लूटिया नाउ इट विल भी हैविंग डिप्रेशन इन इट सेंटर विच इज फोवियांट्रेलिस इसके बिल्कुल सेंटर में एक डिप्रेशन है उसको बोलते हैं फोविया सिंट्रेलिस ना देर इज इफ यू टॉक अबाउट द रेटिना देर आर सर्ट इन फिल्टर दो फिल्टर्स होते हैं इनकी आई में रेड फिल्टर एंड येलो फिल्टर सो हाफ ऑफ द रेटिना लोअर हाफ एंड अपर हाफ जो अपर हाफ है दैट विल भी हैविंग रेड ड्रॉपलेट्स उसमें रेड ड्रॉपलेट्स होंगे क्योंकि जब बर्ड नीचे देखेगा तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी यहाँ जब बर्ड नीचे देखेगा तो इमेज जो है लाइट जो है वो यहाँ से ट्रैवल करेगी और यहाँ इमेज बनेगी और नीचे अर्थ के ऊपर क्या होता है ग्रीनरी सो ग्रीन एंड रेड आर टू कॉन्ट्रास्टिंग कलर सो जो इमेज फॉर्मेशन होगी दैट विल बी द बेस्ट अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग कलर होंगे तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी इमेज की सो दैट्स वाई हेयर आर प्रेजेंट रेड ड्रॉपलेट्स ताकि वो इस ग्रीन के साथ कॉन्ट्रास्ट कर सकें और अगर बर्ड ऊपर की तरफ देखेगा तो ऊपर क्या है ब्लू स्काई सो हेयर विल बी प्रेजेंट येलो फिल्टर्स लोअर पोर्शन में लोअर पोर्शन ऑफ द रेटिना के अंदर येलो फिल्टर्स होंगे बिकॉज येलो एंड ब्लू आर टू कॉन्ट्रास्टिंग कलर जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट करते हैं दैट्स वाई दे कैन फॉर्म मोर क्लियर इमेज सो हेयर विल बी येलो ड्रॉपलेट्स कैटर्ड ऑल ओवर द रेटिना एंड दैट विल एक्ट लाइक येलो फिल्टर्स सो दैट विल मेक अ क्लियर इमेज नाउ वी कैन टॉक अबाउट दी अकोमोडेशन मसल्स अगर हम अकोमोडेशन मसल्स की बात करें सो देर आर सीलियरी मसल्स विच आर शोन हेयर इन द रेड कलर यू कैन से दे विल अकोमोडेट बाई अकोमो डेट द आई बाई चेंजिंग द करवेचर ऑफ द लेंस एंड बाई चेंजिंग द करवेचर ऑफ द कॉर्निया एंड कंजकटाइवा कंजक्टाइवा और कॉर्निया की कर्वेचर चेंज कर सकती हैं और लेंस की यहाँ पर दो सेट्स ऑफ मसल्स होते हैं वन इज क्रोम्पटन एंड अदर इज ब्रूक्स सो ये जो आउटर वन है दैट इज करोम मसल एंड दैट इज ब्रूक्स मसल पीछे वाली जो क्रॉम्पटन मसल हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये कॉर्निया को और कंजक्टाइवा को अंदर की तरफ फूल करेंगी सो दैट विल चेंज द करवेचर ऑफ द कॉर्निया एंड कंजक्टाइवा एंड दैट विल हेल्प इन इमेज फॉर्मेशन अकोमोडेशन ऑफ द आई और जो ब्रूक्स मसल हैं जो अंदर की तरफ हैं वैन दे विल कॉन्ट्रैक्ट दे विल चेंज द करवेचर ऑफ द लेंस बाय मेकिंग इट मोर कॉन्वेक्स आगे की तरफ ये और ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ़ दैट जो नीयर साइटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज जो है वो क्लियर फॉर्म होगी सो दैट आर द टू मसल द टू फोल्ड अकोमोडेशन है क्योंकि कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और कंजक्टाइवा और लेंस दोनों का कर्वेचर जो है वो चेंज हो सकता है नाउ देअर इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ नॉम डर्म्ड एज पैक्टन यू कैन से दिस दैट इज अ ब्लैक प्लीटेड सॉफ्ट एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर हेयर कलर्ड इन ब्लैक ये एक्चुअल में भी ब्लैक होता है दैट इज हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर एंड वट इज द फंक्शन ऑफ दिस पैक्टन दिस इज दिस ऑरिजिनेट फ्राम द रीजन ऑफ द ऑप्टिक नाव जो ब्लाइंड स्पोट है वहीं से ही ऑरिजिनेट होता है एंड दैट इज कुछ इसके सजेस्टेड फंक्शन है विच आर नॉट कन्फर्म्ड येट बट बिकॉज इट इज अ हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर सो इट इज़ सपोज दट इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द आई जो 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 आई सेल्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बाई डिफ्यूजिंग द फूड मटीरियल थ्रू द विट्रस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर के थ्रू जो फूड मटीरियल है वो स्प्रेड होगा इधर उधर तो एक फंक्शन तो न्यूट्रिशन हो गया दूसरा इट कैन हेल्प इन फॉर्मिंग इमेज बाय कास्टिंग शेडोज ओवर द रेटिना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड दैट मूविंग ऑब्जेक्ट विल कास्ट शेडोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पेक्टन सो इस रीजन में उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से क्योंकि ये आगे की तरफ आ जाएगा उसके दैट विल क्रिएट अ हॉल्ट इन द इमेज फॉर्मेशन

तो अगेन ई अकोमोडेशन में भी हेल्प कर सकता है बाय चेंजिंग द करवेचर बाय पुटिंग प्रेशर ओवर लेंस सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ पैक्टन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एवियन आई सो इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट ईयर